हमारा हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जहाँ के राजपूतों की तलवार, राजाओं की प्रेम कहानियां और कवियों की रस भरी कविता अब भी भारतवासियों के दिलों में जोश और उमंग पैदा कर देती है। जहाँ आगरे का ताजमहल अभी तक मुमताज महल और बादशाह शाहजहां की मोहब्बत की गवाही दे रहा है, जहाँ दिल्ली का कुतुब मीनार अभी तक गुजरे हुए बादशाहों की दास्तान बयान कर रहा है, जहाँ झांसी का किला जिसकी दीवारों पर महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार की चमक अब तक आंख मिचौली खेल रही है। लेकिन ऐसी भी जगहें हैं जो इसी तरह की मोहब्बत भरी और बहादराना कहानियां अपने सीने में छिपाए पड़ी हैं, लेकिन आम लोग इन्हें नहीं जानते। हम उस जगह का जिक्र करते हैं जिसे शहनशाह हुमायूं ने आज से 400 साल पहले तैयार करा के एक राजपूत सिपाही को अता फरमाई थी, और उसी का नाम है लाल हवेली। यह है बादशाह हुमायूं, जिन्होंने चित्तौड़ की शहजादी को बहन बनाकर दुनिया वालों के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी कहानी लिखी जो सदा याद रहेगी। लेकिन इस बादशाह की यह कहानी अधूरी ही रह जाती अगर हमारे दादा के दादा अपनी जान देकर चित्तौड़ की लड़ाई में हुमायूं की जान न बचाते। यह है जहांगीर, जो एक रोज मलका नूरजहां से नाराज होकर इस हवेली में तशरीफ लाए थे। यह शाहजहां, जिन्होंने मैं अपनी बेगम के इस हवेली को मेहमान नवाजी का मौका दिया और हम गरीबों को इज्जत बख्शी। यह है राजा शेर सिंह, जिन्होंने बादशाह हुमायूं की जान बचाकर इस हवेली की बुनियाद अपने लहू से रखी थी, और इसीलिए इस हवेली का नाम लाल हवेली रखा गया। ठाकुर साहब, आप खामोश क्यों हो गए? आपने इस तस्वीर के बारे में कुछ नहीं फरमाया। मिठू, ठाकुर साहब, शायद आपकी ये तस्वीर देखकर दुख होता है। हम लोग आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। आपकी मर्जी नहीं तो आप इसके बारे में कुछ न बताइए। यही हमारी इस लाल हवेली की चमकती हुई पेशानी पर एक स्याही का टीका, जिस पर नजर पड़ते ही हमें अपनी गर्दन झुका लेनी पड़ती है। काश यह सफा लाल हवेली की तारीख से फट सकता। ये मेरी बड़ी बहन थी। मिठू, मुक्ता, संभाल तो अपने इस तोते को, वरना जान से मार डालूंगा। मेले में चले, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, भालू नाच नाच रहा है। हाँ, बड़े बड़े साधु आए हैं। कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई सर के बल खड़ा है। वहाँ नटनी नाच रही है। हाँ, आओ बलम चले मेले, आओ बलम चले मेले में। मोहले चल बलम मेले में, मैं कट कट आ गए
हार गई रे मैं कैसी कर दे हार गई हार गई मोह ले चल बलम मेले में मोह ले चल बलम मेले में मैं कैसी कर दे हार गई हार गई रे मैं कैसी कर दे हार गई रे तुझे कैसे ले जाऊं गोरी मेले तुझे कैसे ले जाऊं गोरी मेले वहाँ घूरेंगे लापाल बेले होए वहाँ घूरेंगे लापाल बेले कहेंगे जाने हाय नजरिया तोरी मार गई रे नजरिया तोरी मार गई मगर मैं चल बलम मेले में मैं कैसी कैसी हार गई रे मैं कैसी कैसी हार गई रे अब तेरी लीला सुनाऊं मैं भी अब तेरी लीला सुनाऊं तेरे यारों को गिन गिन बताऊं हो तेरे यारों को गिन गिन बताऊं याद कर दो सुनो पर न जाएंगे याद कर दो सुनो पर न जाएंगे डूब मर हो तो नैया में जाएंगे डूब मर हो तो नैया में जाएंगे कौन आता है वो के सुधारी कौन आता है वो के सुधारी वो तो नहीं हर कमोरे पुजारी वो तो नहीं हर कमोरे पुजारी और है कौन ये पगिया वाला और है कौन ये पगिया वाला वो तो बाबू के गाँव का ग्वाला वो तो बाबू के गाँव का ग्वाला आए प्यारी बातों में तू तो मुझे मार दिए रे नजरिया तुझे मार दिए मोहले चल बलम मेले में मैं कैसी कैसी हार गई रे नजरिया तुझे मार दिए मोहले चल बलम मेले मैं कैसी कैसी हार गई रे मैं कैसी कैसी हार गई रे जवाहर भैया ये मेला तुम्हारे बुजुर्गों के वक्त से चला आ रहा है हर दस में साल लगता है इसलिए तुम शायद छोड़ के यहाँ आए हो तब तो गिरधारी हम इस गांव के राजा हुए क्यों नहीं तो छोड़ दो मुझे मुक्ता बिना पूछे कहाँ चले आवता है हम फिर परेशान हो गए चलो घर ए अंधे देखता नहीं बीच रास्ते में खड़ा है ए जवाब भी नहीं देता जानता नहीं हम इस गांव के राजा हैं राजा राजा तू या मैं शाबाश शाबाश जीते रहे नन जीते रहे बेटा हर 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 एक भी बात हाँ देख देख मार खाएगा मालिक एक से एक हाथ लगाएगा तो मार खाएगा अरे ये लक्ष्मण जी का बेटा है बंबई वाले सेठ का बिल हाथ वाले सेठ का हुआ तो क्या हुआ ए आगे बढ़ेगा तो याद रखना मैं भी पंडित हूँ परशुराम के खानदान का